एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर सनी हियर। आज मैं आपके साथ एक विटामिन सी सीरम की रिव्यू एंड डेमो शेयर करने जा रही हूँ। इसलिए नथिंग ऑन माय फेस, एकदम क्लीन फेस में मैं इसका एप्लीकेशन भी साथ साथ दिखाऊंगी और इसके बारे में इन डिटेल्स और मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट करनी है वो है मेरे चैनल को, जो रेड वाला फ्री बटन है, आप नए हो तो उसको प्रेस कर दीजिए, टोटली फ्री है रेड वाला सब्सक्राइब बटन। उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाले मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए इसके बारे में मैं भी शेयर कर रही हूँ। दिस इज़ फ्रॉम रीकास्ट। रीकास्ट का बहुत ही आपने नाम सुना होगा, ये बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है बिकॉज इट्स नॉट ओनली एफोर्डेबल, इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने सिर्फ अपने पैसों से इसे ख़रीदा है। मैं शुरू करने से पहले ही आपको बोल देती हूँ दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट और इसमें जो प्रोस एंड कॉन्स है वो भी मैं इन डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। सो दिस इज़ फ्रॉम रीकास्ट विटामिन सी सीरम। विटामिन सी है इसमें 20%, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, हियालुरोनिक एसिड, ग्लूटाथियोन, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, प्रोमेल का प्रोडक्ट है और ये रीकास्ट का प्रोफेशनल रेंज में है शायद। वाटर और एस्कॉर्बिक एसिड, ग्लिसरीन, ग्लूटाथियोन, पोटेशियम डाइग्लिसिनेट में भी आया, मैंने ठीक से प्रोनाउंस किया आई डोंट नो, एलोवेरा एक्स्ट्रैक्ट, नासिनामाइड, सोडियम हाइलोरोनेट विच हेजल एक्सट्रैक्ट है इसमें और ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट। फ्रेगरेंस एकदम लास्ट में है बिकॉज इसका फ्रेगरेंस बहुत ही सूदिंग है, बहुत ही माइल्ड एंड जेंटल है। आपका अगर नोज इरिटेशन है, आप ज़्यादा पसंद नहीं करते फ्रेगरेंस, फिर भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। और शेक वेल बिफोर यूज़ और इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स एंड बारकोड सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आई डोंट नो अभी कैमरा ले सकती है नहीं, यहाँ पे है इसका सारा का सारा इंग्रेडिएंट्स लिस्ट और स्टोरेज है कूल इन ड्राई प्लेस। आप फ्रिज में नहीं रखे तो बेटर है, रख भी सकते हो बिकॉज ये डार्क बॉटल है और उतना ज़्यादा इसका इसमें आपका कुछ ऑक्सीडाइज नहीं होगी, तो आप बहुत ज़्यादा जहाँ पे धूप नहीं आती है, थोड़ा डार्क प्लेस जो है आप अपना कबर्ड में या कहीं पे रख सकते हो, उसमें भी ये काफ़ी अच्छे से रहेगा। क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इसे ख़त्म कर चुकी हूँ, ये ला चुकी हूँ, इतना सारा ख़त्म कर दिया फिर भी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। मैं एवरी मॉर्निंग लगाती हूँ बिफोर अप्लाइंग माय सनस्क्रीन एंड मैं सिर्फ अभी लास्ट 20-21 डेज में ये इसी को अप्लाई कर रही हूँ, दूसरा कोई विटामिन सी नहीं कर रही हूँ। बट अभी इसको छोड़ के मैं रिसेंटली नया वाला एक स्टार्ट किया हूँ जस्ट 2-3 डेज, उसका भी थोड़ा सा 15-20 डेज बाद मैं उसका भी रिव्यू शेयर करूँगी ज़रूर से ज़रूर। एंड डायरेक्शन है वॉश स्किन एंड पैड ड्राई, अप्लाई डाइम साइज अमाउंट ऑफ सीरम टू फेस एंड नेक, अलाउ इट टू ड्राई, देन अप्लाई मॉइस्चराइजर एंड मेकअप, कैन बी यूज वंस और ट्वाइस अ डे एज नीडेड। बैच नंबर है, शेल्फ लाइफ है इसका 2 ईयर्स, ओरिजिनल प्राइस है 1200, ये 1200 का प्रोडक्ट है बट इसको मैंने अमेजोन से परचेज किया। दिस इज़ माई सेकेंड टाइम परचेज एक्चुअली, फर्स्ट टाइम किया था मे बी 1-1.5 साल पहले, तब मैं इसका रिव्यू शेयर नहीं किया था आपके साथ, बट दिस टाइम मुझे लगा मुझे फिर से इसे ट्राई करना है बिकॉज आई नीड लॉट ऑफ हाइड्रेशन विद विटामिन सी। थोड़ा सा ड्राइनेस लग रही थी और समर में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा जेल बेस्ड प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा स्किन मैटिफाइंग करने वाला प्रोडक्ट हम यूज़ कर लेते हैं तो थोड़ा सा स्किन ड्राई लगने लगती है, बट ये वाला जो प्रोडक्ट है दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड हाइड्रेटेड, नॉट ओनली दैट अ वेरी सूदिंग कामिंग इफेक्ट देती है विदाउट एनी इरिटेशन, एनी रेडनेस, एनी साइड इफेक्ट्स और इसका काम जो है ग्लो बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हो बेयर स्किन में ग्लो देती है विदाउट एनी फाउंडेशन, एनी थिंग आई हैव ऑन माई फेस, तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। कॉशन है अवॉइड कंटेक्ट विथ आइज, आइज के अंदर नहीं जानी चाहिए, आइज के आसपास भी आपका अगर बहुत सेंसिटिव आइज है तो प्लीज़ इसे मत यूज़ कीजिएगा एंड इरिटेशन अगर हो तो डेफिनेटली डिसकंटिन्यू कीजिए और कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रेन, ओके, बच्चों के ऊपर प्लीज़ इसे अप्लाई मत कीजिएगा। एंड अबव 18 है तो इसे यूज़ कीजिए, अंडर 18 है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट का अच्छे से सलाह ले लीजिए फिर इसे यूज़ कीजिएगा। क्वालिटी फ्री प्रोडक्ट है, रिसाइकलेबल एंड www.recastlabs.com में आप इसमें सर्च कर सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में इन डिटेल्स। तो ये था इसका आउटर कॉटन, मैंने सब कुछ आपके साथ इन डिटेल्स शेयर कर दिया और ये है इसका डार्क ग्लास बॉटल जो बहुत ही अच्छी है, एकदम स्टडी पैकेजिंग है,
ये है इसका प्रोटेक्शन कैप। मैं सजेस्ट करूँगी इसे फेंकिएगा मत, बिकॉज ये आपका जो ये होल है ना जहाँ से ये प्रोडक्ट निकलती है, इसको बहुत अच्छे से एक कवर करती है। सो इट्स अ वेरी गुड आपका प्रोटेक्टर है, तो आपको जर्म्स और हाइजीन से ये प्रोटेक्ट करेगा। प्लीज़ डोंट रिमूव इट। एंड ये आपका जो पम्प बॉटल है बहुत ही अच्छा है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देती हूँ इसका कंसिस्टेंसी। तो दिस इज़ द कंसिस्टेंसी, लिक्विडी, ये पूरा वाइट भी नहीं है, पूरा ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, थोड़ा सा वाइट इसमें आपको लगेगा। बहुत ही लाइट है एंड टेक्सचर भी बहुत ही लाइट एंड माइल्ड है। तो मैं इसका एप्लीकेशन आपको अभी दिखाऊँगी। और इसका जो बॉटल है इसमें भी आपको इंग्रेडिएंट्स लिस्ट और इसका जो शेल्फ़ लाइफ है मिल जाएगा। काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिली है, 1200 का मुझे मिली है 649 में, बहुत अच्छे डील में मिलती है। लास्ट बार भी मैं जैसे परचेज़ किया था ऐसे 645 अराउंड ही था, तो 650 के अंदर ही आपको मिल जाएगी, ऑलमोस्ट हैफ प्राइस में आपको मिलती है। सिर्फ अमेजन में इसको मॉनिट करनी है, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलती है। आप दूसरे साइड में देख सकते हो, आई हैव नो आइडिया कि दूसरे साइड में मिलती है कि नहीं। एंड डायरेक्शन जैसे है, डाइम साइज अमाउंट लेनी है। एंड या मॉइस्चराइजर के अंडर आपको अप्लाई करनी है, आप मेकअप के अंडर भी कर सकते हो, ट्वाइस अ डे भी कर सकते हो। तो आपको अच्छे से थोड़ा शेक कर लेनी है, देन आई एम टेकिंग दिस टू पम्प्स इज सफिशियंट। स्किन में पैटिंग मोशन में आपको लगानी है। ये जो करती है स्किन को बहुत अच्छे से ग्लो देती है। इसका मेन जो काम है स्किन को हाइड्रेट करना, बिकॉज ऑफ द हाइलोरोनिक एसिड ये स्किन में और बहुत अच्छे से रहती है। एलोवेरा जेल भी बहुत ज़्यादा सूदिंग है। ग्लूटाथियन और जो विटामिन सी का जो काम होती है वो ये अच्छे से करती है, टैन रिमूव करती है, स्किन को ओवरऑल एक इवन कम्प्लेक्शन प्रोवाइड करती है। स्पॉट्स में एज सच आपको इतना जल्दी कोई फ़र्क नहीं नज़र आएगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपके साथ कोई झूठ नहीं शेयर करूँगी, बट एक्सक्यूज़ मी, मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल लगाई है, चम्पी किया है, इसलिए माई हेयर इज लुकिंग वेरी वेरी ग्रीसी एंड वेरी गंदा। इग्नोर इट। ओके, सो मैं फेस पे फोकस कर रही हूँ। फेस का जो है आप देख सकते हो इंस्टेंट भी ग्लो दे रही है, और आपको लगाते लगाते ऐसा ग्लो ओरिजिनली आ जाएगा। तब को आपको इच्छा ही नहीं लगेगा कि आप कोई मेकअप अप्लाई कीजिए, कोई प्राइमर लगेगा, या क्योंकि ये पोर्स को भी धीरे धीरे ब्लर कर देती है ओरिजिनली। आप जितना ज़्यादा सीरम यूज़ करोगे ना, मेरे ख्याल से मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो है ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है। मुझे जो पसंद है आपको नहीं आ सकती, मेरे ऊपर जो काम करे आपके ऊपर नहीं काम कर सकती, और वाइस वर्सा। बट ये जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नॉट ओनली दिस, ऑल काइंड ऑफ सीरम्स का जो काम है मुझे लगाते लगाते लगा, बहुत अच्छे से पोर्स को ब्लर कर देती है, मिनिमाइज करती है। एकदम पूरा गायब तो नहीं कर सकता है कोई, बिकॉज ये ऑलरेडी हो गया है स्किन में, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई रोबोट साइंस नहीं है। सो ये बहुत अच्छे से मेरे स्किन में काम किया है, जस्ट बिकॉज ये मेरे पोर्स को भी मैं मिनिमाइज कर दी थी इंस्टेंटली। उसके साथ साथ स्किन में बहुत अच्छे से ग्लो प्रोवाइड करती है, स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाती है। थोड़ा सा लगाती है, आप 2 पम्प से ज़्यादा 3 पम्प ले सकते हो, तो कवर योर नेक। नेक को कभी भी अवॉइड मत कीजिएगा, नेक में बहुत ज़्यादा एज साइन दिखती है, प्री मैच्योर एजिंग बोलिए, टैन बोलिए, बहुत अच्छे से दिखती है, बहुत ज़्यादा आपका पिंपल रैशेज, एडल्ट एक्ने है तो नेक भी नेक तक भी आ सकती है। तो इसको अच्छे से कवर अप कीजिएगा, कुकिंग करने के टाइम पे भी हमारा हीट यहाँ पे लगती है, तो प्लीज़ डोंट अवॉइड दिस प्लेस, इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छे से इसे अप्लाई कर कीजिएगा, टेक केयर कीजिएगा। ओके, सो सी अभी टोटली मेरे स्किन में अब्जॉर्ब हो गई है, एंड सी द शाइन, दूर से देखिए, पास से देखिए, मेरे लाइट में आप देख सकते हो बहुत अच्छे से एक शाइन एंड ग्लो है। आपको नहीं लगेगा आपको कोई स्ट्रोबिंग क्रीम लगाने की ज़रूरत है, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग यू। अगर आप एफोर्डेबल रेंज में चाहते हो, 600 में इसका क्वांटिटी है, 30 ml ही हर सीरम होती है, एक अच्छे खासे विटामिन सी 2000 तक का प्राइस होती है, ये तो आपको 645 टू 650 में मिल जाती है, बहुत अच्छे दिन तक चलती है। आप अकेले लगाते हो, 2 times लगाते हो तो 20 days तक आराम से चली जाएगी, 1 time लगाओगे तो मोर देन 30 days चल सकती है। अच्छे क्वांटिटी में लगाना, यू विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। आई होप यू हैव एंजॉयड माई दिस वीडियो, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी थी तो लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।